Assalamualaikum and hello to all cricket viewers. World Cup is inching towards the final stages and only like 9 to 10 matches left, including semi-final and finals. Let's talk about the scenarios and specifically Pakistan scenarios for qualifying the semi-finals. To be really honest, Pakistani viewers ke liye koi itni khusham baat nahi hai kyunki Pakistan बिल्कुल सर्वाइव कर रहा है, बार बार सर्वाइव कर रहा है. रीज़न बीइंग के जो मैचेस हम हारे हैं वो बड़े क्लोज मैच हारे हैं और आखिरी बॉल्स पे हारे हैं. और नेदरलैंड्स का थोड़ा सा जो अच्छा मैच गया, थोड़ा और अच्छा जाना चाहिए था उसे. पाकिस्तान का रनरेट अभी भी भारत से बहुत बेहतर है. तो अभी पाकिस्तान का आज मुकाबला होना है साउथ अफ्रीका से. और अगर पाकिस्तान ने अभी भी सेमीफाइनल पर होप रखनी है तो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स को मैं तसल्ली नहीं दूंगा, बट ओनली 0.0001% चांस है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा. रीज़न बीइंग के लेकिन क्रिकेट है, यू नेवर नो, इफ एंड बर्ड्स चलते रहते हैं और कभी कभी अपसेट भी हो जाता है. तो पाकिस्तान का सिनेरियोस जो हैं वो बनते ही हैं कि पाकिस्तान ने अपने जो दोनों रिमेनिंग मैचेस हैं, दैट इज़ आज जो साउथ अफ्रीका से और उसके बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच होगा, वो पाकिस्तान का 6 नवंबर को पाकिस्तान ने जीतना है. तो पाकिस्तान एंडिंग विद 6 पॉइंट्स और रन रेट पाकिस्तान का अभी भी पॉजिटिव है, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट. ऑन द अदर हैंड बात करूँ तो हमारे जो कम्पिटेटर्स हैं इस टाइम ग्रुप पे वो साउथ अफ्रीका और इंडिया हैं. इंडिया के 6 पॉइंट्स हो गए लेकिन इंडिया का रनरेट अभी भी हमसे कम है, क्योंकि इंडिया ने क्रिकेट ज़रूर खेली है लेकिन लक का बहुत साथ रहा है. और कोई मैच भी उन्होंने कोई कन्विंसिंगली नहीं जीता. मैच जीते ज़रूर हैं लेकिन वन साइड मैच थे, और मतलब वन साइड तो नहीं कहेंगे, मतलब दोनों तरफ का मैच था लेकिन बड़ा एंड पे ख़त्म हुआ. तो लेट्स सी, इंडिया का रनरेट तो इतना अच्छा नहीं है फिलहाल. अभी पाकिस्तान इंडिया को पकड़ सकता है अगर इंडिया अपना मैच जिम्बाब्वे से हार जाए. ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जिम्बाब्वे को जीतना पड़ेगा इंडिया से अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुँचना है, और थोड़ा रन रेट का भी फ़र्क होगा. तो कंडीशंस मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, होप्स अलाइव. और जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है जो कि 10 को खेला जाएगा. तो लेट्स सी, हेलो, लेट्स सी कि क्या होता है और रिज़ल्ट किस तरफ जाता है, क्या रिज़ल्ट आता है. लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो पाकिस्तान का थोड़ा सा चांस बड़ा कम नज़र आ रहा है. रीज़न बीइंग के जो मैचेस पाकिस्तान के रहते हैं उनमें साउथ अफ्रीका का टफ मैच है और उसके बाद बांग्लादेश भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है. कल आई थिंक बड़ा अच्छा बांग्लादेश खेला, थोड़ी सी हार्ड लक मैं कहूँगा बांग्लादेश की रही, वरना बांग्लादेश ने मैच निकाल लिया था भारत से. और अगर बारिश का एलिमेंट ना आता तो